नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत का ताल्लुक अरबी ज़बान से है, जिसके माने हैं मुल्की व रियासती तदबीर या फिर इंतज़ाम व एहतमाम करना, और उसको पॉलिटिक्स कहा जाता है। आप पॉलिटिक्स के लफ्ज़ की गहराई में जाएंगे तो उसकी तारीख आपको यूनान यानी ग्रीस से वाबस्ता मिलेगी। दरअसल यूनान में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। रियासतें यानी आम फहम जबान में स्टेट समझ लो, या उससे भी आसानी से बताऊं तो जैसे हमारा स्टेट है कर्नाटक, किसी का गुजरात, किसी का बिहार, किसी का यूपी, किसी का राजस्थान वगैरह। तो यूनान में रियासतों को पोलाइस या पोलिस कहा जाता था। मुझे उसके तलफ्फुज की अदायगी पोलाइस है या पोलिट है नहीं मिला, तो जो पोलिस का यानी स्टेट के मामलात की समझबूझ रखता था उसको पोलिटाइक कहा जाता था। इसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए अरस्तु ने सियासत पर एक किताब लिखी और उसी को अंग्रेजों ने पॉलिटिक्स का नाम दे दिया। और यूं इसका मतलब यह निकल करके सामने आया कि जो शख्स रियासतों के मामलात को उसके इंतजाम को समझता है वो सियासतदान है या फिर पॉलिटिशियन है। और उर्दू में उसका साफ और सीधा तर्जुमा अगर मैं करूं तो यूं कह सकता हूं कि रियासत का इल्म रखने वाले को सियासतदान और रियासत के इल्म को सियासत कहा जाता है। बहर कैफ नाजरीन, सियासत और सियासतदान का मफहूम अब बदल गया है। मौजूदा सियासत का हुलिया पूरी तरह बिगड़ चुका है, उसके अकदार और उसके पैमाने भी बदल चुके हैं, बल्कि बदले जा चुके हैं। कोई शख्स झूठ बोले, चालबाजियां करे, अहद शिकनियां करे, लोगों को फरेब और धोखा दे, उनके हकूक पर डाका डाले, तो यही अब के ज़माने का सियासतदान और फिर कौम का हीरो समझा जाता है। लिहाजा जो सबसे ज्यादा झूठ बोलने का माहिर हो, शातिर दिमाग, पल भर में आवाम को उल्लू बना सकता हो, जब वो घर से निकले तो उसके काफिलों में हजारों अफराद हो, गाड़ियां हो, आवाम का एक हुजूम हो जो हाथ लहरा लहरा कर बज़ाहिर खुशी का इजहार करे मगर अंदर से मातहमी मातम, जहां वो बैठे वहां नारे, जहां वो खड़ा हो जाए वहां नारे, जलसों में नारे, जुलूसों में नारे, बयान करे तो नारे, खांसे तो नारे, चले तो नारे, हंसे तो नारे, चिल्लाए तो नारे, हर तरफ झूठी शान के कसीदे और मुबालगा आ रही की तारीफी नगमे, जब ये सब मिल जाए तो समझ लेना कि आपकी मुलाकात वाकई दौरे हाजिर के किसी सियासतदान से हो रही है। जी हाँ नाज़रीन, बहरकैफ नाज़रीन, चूंकि गुजरात में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है और कर्नाटक में अभी से जो है इंतखाबात का बुखार सर चढ़ करके बोल रहा है इसका जादू, तो मैं हमेशा की तरह एक सियासी चुकता हुआ तबसरा और सीधे सीधे असर करने वाली एक सीधी सी बात लेकर के आपके सामने आया, ताकि हम मुसलमान रियासत गुजरात की सियासी पार्टियों, सियासी चालों को समझ सके और अपने वोटों को बांटने के बजाय एक मुनज्जम और बेहतरीन फैसला ले सके। तो फिर चलिए बात का आगाज गुजरात से ही करते हैं। यहां पर अगर आप मुल्की सतह के सियासी तबसरा निगारों के तबसरे पर गौर करेंगे तो महसूस होगा कि 22 साल से जिस रियासत में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर राज करती रही, इस बार यहां इस सूरज को गहन लगने वाला है। रियासत गुजरात को विकास की बुलंदियों को पहुंचाने का शूशा छोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एमपी के गद्दी तक पहुंचे, मगर 3 ही साल में जो विकास यहां जवान हुआ था, यहां की दीवारों ने उस विकास को पागल करके छोड़ दिया। विकास की हकीकत गुजरात की दीवारों से होते हुए पूरे मुल्क में फैल गई। बिलाखिर विकास के पागलपन ने यह साबित कर दिया कि भाई जो हो रहा है वो सब एक शराब है और झूठ है और हकीकत यही है। असल में विकास ने गद्दी तक नहीं पहुंचाया था, बल्कि मुस्लिम दुश्मनी के चलते ओबीसी, पटेल और दलित को एक करके यानी मुत्तहिद करके गद्दी तक पहुंचाया गया था, मगर ये सब हकीकत अब सामने आ गई है।
पाटीदार की बात ले लें, पाटीदार के लीडर हार्दिक पटेल ने जब अपने पटेल बिरादरी के रिजर्वेशन के मुतालबात को लेकर रास्ते पर आया तो साल 2015 का सितंबर का महीना हार्दिक पटेल के लाखों अफराद के साथ गुजरात में सिर्फ एहतजाजात का ही महीना नजर आया, लाखों लोग रास्ते पर उतर आए। हार्दिक पटेल पाटीदारों के लिए एक नए लीडर के रूप में उभर कर सामने आया और उसके बाद क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई और हाल ही में उन्होंने अपना झुकाव कांग्रेस के जानिब यह कहते हुए दिया था कि बड़े लुटेरे से या बड़े चोर से छोटा चोर या लुटेरा बेहतर है। यानी उनकी नजर में कांग्रेस पार्टी छोटा चोर और बीजेपी बड़ा चोर है। इस लिहाज से बीजेपी के दामन से पाटीदार की एक बहुत बड़ी तादाद हाथ से निकल गई है। इसके बावजूद बीजेपी के पास कई पटेल लीडरान भी हैं और अराकीन असेंबली भी हैं, वैसे ही कांग्रेस के पास भी, जैसे हाल ही में अहमद पटेल साहब को राज्यसभा सीट पर जीत हासिल करना, उसके बीच इस सीट को हासिल करने के लिए जद्दोजहद जो हुई, खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला चल निकला अराकीन असेंबली का और गुजरात के अराकीन असेंबली का कर्नाटक में आकर के रहना और उसके बाद जो सियासत चली, ये सब सियासत आप हजरात के सामने हैं और आप जानते हैं। पाटीदार की एक बहुत बड़ी तादाद जब बीजेपी के हाथ से निकल गई तो फिर दलित तबके की क्या सियासी चाल होगी गुजरात में, नाज़रीन इस बात को भी समझेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انو کی محفل میں۔ ناظرین جہاں تک دلتوں کا سوال ہے، مثال گجرات کے مختلف علاقوں میں گو کے نام پر، گائے کے چمڑے کے نام پر جتنے حملے کیے گئے، اس کے بعد نہیں لگتا کہ برادری اس بار بی جے پی کے ساتھ جائے گی۔ یہاں میرے پیچھے اسکرین پر بدل رہی تصاویر کو دیکھیے، یہ سب کی سب گجرات کی وہ آنکھیں کھولنے اور ظلم و بربریت کو بیان کرنے والی تصاویر ہیں جس میں اکثریتی طبقے میں طبقے کے لوگ مویشیوں کے نام پر انسانوں سے درندگی کی حدیں پار کر رہے تھے۔ گجرات نے گزشتہ سال دو بڑے احتجاجات کو دیکھا، ایک احتجاج پاٹے دار کا، دوسرا وہ بھی سی والوں کا، اور تیسرا دلتوں کا۔ راستے، بس اڈے سب کے سب بلاک کر دیے گئے، اور اس طرح یوں سمجھیے کہ گجرات کی آدھی آبادی نے راستے میں اتر کر مختلف دن اور اوقات میں حکومت کے تئیں اپنی ناراضگی جتائی، اور اس طرح گجرات نے تین لیڈر پورے عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیے۔ ایک تو ہاردک پٹیل پٹیل برادری کے لیے، الپیش ٹھاکر وہ بی سی کے لیڈر، اور جگنیش میوانی دلتوں کے لیڈر کے طور پر گجرات کے سیاسی منظر نامے پر ابھر کر سامنے آ گئے۔ مگر ناظرین افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس بیچ مجھے کہ کوئی اتنا طاقتور لیڈر مجھے اس بیچ مسلمانوں میں نظر نہیں آیا جو میں یہ بتا سکوں کہ ہاں بھائی گجرات میں یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ احمد پٹیل کے ساتھ مسلمان جذباتی طور پر ایک عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، مگر کیا کوئی ایسا نوجوان لیڈر ہے جس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکیں کہ وہ واقعی اس قوم کا لیڈر ہے؟ ناظرین صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ گجرات کے انتخابی دنگل میں بظاہر کانگریس کی لہر تو چل رہی ہے مگر مسلمانوں کو اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا ہے۔ مرکزی حکومت کے لیے جو انتخابات چلے اس وقت کانگریس اوور کانفیڈنٹ میں تھی اور نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی حالیہ یو پی میں سماجوادی اور کانگریس نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا مگر نتیجہ کیا آیا یہ آپ کے سامنے ہے۔ گوا میں یہ پارٹی حکومت کرنے کی سکت رکھتی تھی مگر سیاسی سوجھ بوجھ پہ ایسے تالے پڑے کہ یہاں سے بھی ان کے ہاتھوں سے گدی چھن گئی۔ مگر اس کے باوجود سوشل میڈیا پر جو چرچا ہے
उस पर यकीन करें और फिर कौमी मीडिया के बदले से थोड़े बहुत रवैये को देखें तो महसूस होता है कि कांग्रेस का पलड़ा इस बार गुजरात में भारी है। मगर इसकी वजह खुद कांग्रेस पार्टी नहीं है और हरगिज भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कारनामा कांग्रेस यहां फिलहाल अंजाम तो नहीं दिया कि अचानक उसकी हवा चलने लगे। दरअसल यहां कांग्रेस को छोड़कर दूसरी कोई बड़ी पार्टी नजर ही नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी कोशिश तो कर रही है मगर नई दिल्ली में बीजेपी हुकूमत ने इस पार्टी को जीने ही नहीं दिया, लिहाजा अब यहां के आवाम का आम आदमी की पार्टी की तरफ झुकाव बहुत कम नजर आ रहा है। ऐसे में डूबते को तिनके का सहारा के माने तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी ही तन्हा बची है। मगर 22 साल की बीजेपी बादशाहत की मजबूत दीवारों में कदगन लगाना क्या इतना आसान है? अमित शाह की सियासी चालों को क्या कांग्रेस समझ पाएगी? राहुल गांधी की गाड़ी रोककर आम लड़की के साथ सेल्फी ले लेना या फिर आम आदमी की तरह होटल में खाना तनावल करने से क्या गुजरात के आवाम का वो दिल जीत पाएंगे? ऐसी खबरों से सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक और ट्विटर में लाइक्स तो जरूर मिलेंगे मगर जमीनी हकीकत कुछ और होती है जिसको समझना पड़ेगा। नाज़रीन एक मिनट रुके, इस पर गुफ्तगु में बाद में करूंगा। यहां हम कोशिश करेंगे कि गुजरात में मुस्लिम लीडर कौन है आखिर। साफ बात यह है कि हार्दिक पटेल ने और जिग्नेश ने साफ कर दिया कि जो उनके मुतालबों को पूरा करेगा वो उन्हीं के साथ जाएंगे। दलितों का मसला तो हल है क्योंकि राहुल ने कह दिया कि उनके मुतालबात को पूरा करने का वादा इंतखाबी मंशूर में शामिल किया जाएगा। हार्दिक ने भी साफ और वाजे अंदाज में कह दिया कि पहले कांग्रेस इस बात को वाजह करे कि वो पाटीदार के रिजर्वेशन मामले को लेकर क्या मौकफ रखती है। यानी दोनों लीडरान कौम का मफाद पहले, लीडरी और ओहदे बाद में सोच रहे हैं। तो सोचिए ऐसा कोई मुसलमान लीडर है जो कांग्रेस के पास जाकर इस तरह का मुतालबा रखे। मैं तो इस बीच सोच रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार, यूपी और महाराष्ट्र की तरह यहां गुजरात में भी कूद पड़ेंगे और खाता खोलने की नीयत से अच्छे खासे वोटों का बंटवारा कर देंगे, मगर अच्छा हुआ फिलहाल वह हैदराबाद में ही मसरूफ है। ऐसी बात नहीं कि उनके चाहने वाले यहां गुजरात में नहीं है, ऐसी बात नहीं, बल्कि साफ बात कहूं तो आजकल का पूरा नौजवान तबका, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम तबका असदुद्दीन ओवैसी का मद्दा है और उनको चाहता भी है। मगर असदुद्दीन साहब इस चाहत को खूब समझते हैं और चाहत का नतीजा यूपी और बिहार में देख चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीटें भी मिली। बहर के नाज़रीन, तो मेरी निगाहें गुजरात में मुस्लिम लीडर की खोज में निकली तो मुझे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आया, वो है अहमद पटेल साहब का। वो इस वक्त राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जुनूबी गुजरात की रैलियों में वो कुछ इस अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी सियासी जिंदगी के बारे में बात करें तो वो 1977 में इमरजेंसी के बाद इंतखाबात में जीत हासिल करके दिल्ली के सियासी गलियारों में कदम रखा, अपनी जगह बनाए। शंकर वाघेला के साथ वो दिल्ली पहुंचे और 1984 और 1989 के वक्फे के दौरान राजीव गांधी के साथ मिलकर काम किया। और ये वो जुनूबी गुजरात से उनका ताल्लुक है और जुनूबी गुजरात तो बीजेपी का ऐसा मजबूत गढ़ है कि वहां 90% बीजेपी लीडरान ही जीतते हुए आए। ऐसे इलाके में कांग्रेस के झंडे गाड़ने के लिए वाकई सियासी मजबूत हिकमत अमली की जरूरत है। जी हां नाज़रीन, यहां एक और ब्रेक की इजाजत है, मुझे उसके बाद कुछ और हकीकतें सामने लाता हूं। على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ناظرين बज़ाहिर गुजराती मुसलमानों को देखा जाए तो महसूस होता है कि वो अहमद पटेल साहब का दामन पकड़कर
कांग्रेस के पीछे जाएंगे इस बार। और वजह उसकी सिर्फ यह कि बीजेपी को हराना है। मैं जो कह रहा हूं साफ समझिए, उनकी वजह सिर्फ बीजेपी को हराना है। जबकि इसके मुकाबले में आप पाटीदार के लीडर को देखिए और दलित के लीडर को, उनका मकसद बीजेपी को हराना नहीं है बल्कि अपने मुतालबात को पूरे करवाना है। मुमकिन है अहमद साहब से गुजरात में ज्यादा फायदा हुआ हो, मगर जैसे दलित का अपना एक हदफ है, पाटेदारों का अपना एक मुतालबा है, क्या यहां मुसलमानों का अपना कोई ऐसा मुतालबा है? या फिर वैसे ही जैसे 70 सालों से आंख बंद किए चले जा रहे हैं और वो हमारे जज्बात के साथ खेलते आ रहे हैं? नाज़रीन, साफ बात यह है कि मैं यहां किसी भी पार्टी के सपोर्ट के लिए, किसी फर्द के सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा। सियासी तबसरा करूंगा, कुछ हकीकतें आपके सामने रखकर गेंद आपके मैदान में फेंक कर चला जाऊंगा, फिर आपको जहां गोल पड़ना है कर लीजिए। सियासी तारीख उठाएं, बीजेपी हिंदू बरादरी को मुसलमानों से डराती है और कांग्रेस ये कहकर डराती है कि वोट बटेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो क्या मुसलमानों के यही मसाइल रह गए हैं? कांग्रेस के पास मुसलमानों की तरक्कियात को लेकर क्या इंतखाबी मंशूर है? क्या कोई मुस्लिम लीडर ये पूछने की जसारत कर सकेगा कि उनके ये मुतालबात हैं, वो मुतालबात पूरे करेंगे तो ही आपको सपोर्ट करेंगे? जैसे मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को लेकर कांग्रेस कितनी संजीदा है, बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके उनको कालकोठरियों में बंद करके उनकी जवानी ढल जाने के बाद माजूर बनाकर 10-10 साल बाद बेकसूर साबित करके रिहा किए जाने का अमल आखिर कब बंद होगा, ये कोई पूछने की जसारत करेगा? नाज़रीन, सियासी गलियारों में, कौमी मीडिया में, मकामी और रियासती मीडिया में पता है मुसलमानों के मसाइल क्या हैं? 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, लाल किला, गौकशी, मुस्लिम और हिंदू दहशतगर्दी, मुस्लिम पर्सनल लॉ, लव जिहाद। कभी किसी एंकर को आपने मुसलमानों की कॉलोनी और बस्तियों के खस्ता हाल, रास्तों के टूटे फूटे हाल, बिजली खंभे जो टूट फूट के शिकार हो चुके हैं, फंसे हुए ड्रेनेज को दिखाते हुए और उस पर मातम करते हुए देखा है? नहीं, मीडिया का ये रवैया तो हमारी मुसलमान बड़ी बड़ी तंजीमें जो एक जलसे में लाखों का मजमा इकट्ठा करती, वो कभी मुसलमानों की वोट को ये करने के लिए संजीदा कोशिश नहीं किया, तो मीडिया क्या कोशिश करे और वो क्या क्या बोलेगी? सब लोगों का, लीडरों का कहना होता है कि भाई वोट एक मुश्त होकर एक ही पार्टी को देना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि हार्दिक पटेल के कहने की तरह बड़े चोर से छोटा बेहतर है, छोटे चोर को इख्तियार करते वक्त भी कम से कम कौमी मफाद के बारे में सोचें। गुजरात के लीडरान ने कहां तक कोशिश की है कि वो तमाम मसलक व मशरब, तमाम मकातिब फिक्र जिसमें शिया और दीगर मुसलमानों की तंजीमों के भी लीडर शामिल हों, उनको जमा करके कौम के मफाद के लिए एक होने की आवाज लगाए हो? मुमकिन हो ऐसा हुआ हो, यह जरूरी नहीं कि मुझे उसका इल्म हो, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बेहतर, नहीं हुआ है तो वक्त की अहम जरूरत है गुजरात के मुसलमानों के लिए कि वो इसके लिए चैलेंज के रूप में लेकर अपने लिए बेहतर पार्टी का इंतखाब करें। बीजेपी की नजरों में अहमद पटेल साहब एक ही तनहा मुसलमान लीडर नजर आए तो उसने ऐसी सियासी चाल चली कि हालिया 2 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार करने के बाद गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि गिरफ्तार मुश्तबा नौजवान अंकलेश्वर के सरदार पटेल नामे अस्पताल में मुलाजिमत करता था और इस अस्पताल के ट्रस्टी अहमद पटेल रह चुके हैं, लिहाजा वो दहशतगर्दों के मुआविन है। सोचिए किस किस्म की सियासी चाल चली है। नाज़रीन, बीजेपी को गुजरात में अपना मुस्तकबिल नजर आ चुका है। खुद आरएसएस ने जो सर्वे किया था उसमें बीजेपी हारती हुई दिखाई गई थी। उसके बाद ट्विटर वार में राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी के गुजरात से चले जाने के बाद यहां बीजेपी पार्टी में खुद अंदरूनी सियासी दूरियां पैदा हुई है, जिसकी वजह से आनंदीबेन पटेल को वजीर आला के ओहदे से हटाकर विजय रूपाणी को बनाया गया था। फिर उसके बाद विकास पागल हो गया, जैसे दीवारों पर लिखे तबसरों ने बीजेपी की बची कुची कसर भी पूरी कर दी। कौमी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बीजेपी दौरे हुकूमत की जितनी भी तारीफ करे, भला वो सोशल मीडिया का, इसने सारी सच्चाई आवाम के सामने बयान कर दी।
लिहाजा तरक्कियात के नाम पर जब मुल्क भर में कुछ नहीं हुआ है तो बीजेपी के पास सिवाय नारों के, बयानबाजियों के और बैरूनी और अंदरूनी असफार के कुछ भी नहीं है। गुजरात के लिए जो बहुत वादे किए गए थे, जिसमें बड़ा वादा 50 लाख घर की तामीर का, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। शुरू ही नहीं हुआ होगा वो मंसूबा, वो प्रोजेक्ट, वरना तो फिर गुजरात हाउसिंग बोर्ड को पूछना होगा। ऐसे हालात में बीजेपी हमेशा की तरह वही सियासी चाल चलेगी, फूट डालो और राज करो। यही वजह है कि एक इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी जी को यह साफ कहते हुए देखा गया था कि मुसलमान अब कहां एक हैं, शिया और दूसरे मुसलमान तो हमारे साथ आ चुके हैं। इन तमाम हकाइक के बाद क्या अकलियतें, बिलखसूस दलित मुसलमान, ओबीसी और दीगर अकलियतें इनकी सियासी चालों को समझ पाएंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि अब गुजरात में भी अपने ही लोगों में से कुछ मौसमी परिंदे लीडरान खड़े हो जाएंगे सिर्फ वोट काटने के लिए, और बाकायदा उनको खड़ा किया जाएगा रुपये पैसों का लालच देकर, हर इलाके से खड़ा किया जाएगा। ऐसे हालात में हमारे कौमी लीडरान क्या लाही अमल तैयार करते हैं, ये भी सोचना है। जी हाँ नाज़रीन, सोचना तो पड़ेगा, बसूरत दीगर नतीजा हमारे सामने है। قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ नाज़रीन, वक्त हो चला है। साफ बात यह है कि इंतखाबात का मौसम आएगा तो हर कोई चापलूस बन जाएगा, हर पार्टी का लीडर आपको अपना बनाने की कोशिश करेगा। मगर हम भी दूसरी कौमों की तरह पहले अपना ज़ाति कौमी एक इंतखाबी मंशूर बनाएं, अपना हदफ तय कर लें। खस्ता रास्ते, बुनियादी ज़रूरियात, रोटी, कपड़ा, मकान, क्या सिर्फ यही एक मुसलमानों की ज़रूरत है? इस पर भी गौर खोज करें, फिर तय करेंगे कि आपका लीडर कौन है। अंधों की नगरी में अंधे बनकर एक दूसरे के पीछे जाने के बजाय चिराग से रोशनी फैलाने की कोशिश करें। मुखालिफ चलने वाली फिजा और हवा वाकई उसको बुझाने की कोशिश करेगी, मगर हवा को साजगार बनाने के लिए आपको दोनों हाथ का सहारा लेना होगा। ऊपर से हवा को रोकने के लिए किसी तीसरे हाथ का सहारा लेना होगा, तब जाकर आपकी रोशनी से दूसरों को फायदा हो सकता है। नाज़रीन, नाउम्मीदी किसी का इलाज नहीं है। मशहूर व मारूफ शायर नदीम शाद देवबद्दी के ये अशआर मुझे बड़े पसंद हैं, जो मुझे हौसला देते हैं कि मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा जिधर रस्ते में मैखाना पड़ेगा, मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा जिधर रस्ते में मैखाना पड़ेगा, हवा आदि नहीं है मशवरों की, चिरागों को ही समझाना पड़ेगा। और उनका ये शेर भी बहुत ही मुझे उम्दा लगता है कि हर कदम पर जो सोचेंगे तो थक जाएंगे, जो ना सोचेंगे वो दूर तलक जाएंगे, हम समंदर हैं हमको ना रास्ते बता, हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे, हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। नाज़रीन, इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।